गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ हज़रत सुल्तान मॉस के पास। ये रही और बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी है। और यहाँ पे आप देखो कितना आर्किटेक्चर देखो आप, पूरा कितनी सारी है बिल्डिंग्स है। और यहीं पिरामिड भी है पास में, वही पिरामिड ऑफ पीस। और ये मॉन्यूमेंट्स भी हैं बहुत सारे। अगर टाइम मिला, ये रहा मेरे पीछे पिरामिड ऑफ पीस, ये अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सब घूमूंगा, नहीं तो अभी मेन तो मेरा मकसद है मॉस घूमना पूरा। जो हजरत सुल्तान मॉस्क है ना, ये एशिया सेंट्रल एशिया लार्जेस्ट मॉस्क है। और इसका ये मामला, इसका ये कहना है कि यहाँ पे ये जो है ना, मतलब 2009 में कंस्ट्रक्शन हुआ था इसका। और होली मॉस्क है, फ्राइडे प्रेयर यहाँ बहुत बड़ी होती है। और बस लुकिंग वाइज बहुत बड़ी है, और कजाकिस्तान की तो सबसे लार्जेस्ट है ही, और सेंट्रल एशिया की भी सबसे लार्जेस्ट मॉस्क, और लुकिंग में बहुत बेहद खूबसूरत। इंटर तो हो गया हूँ मस्जिद की, अभी ये हॉलवे है या गार्डरोब वगैरह है। और इधर दिखा रहा हूँ, इधर कैंटीन वगैरह है पूरा खाने पीने के लिए। सीढ़ियों से जा रहा हूँ ऊपर, जूते वगैरह जैकेट वगैरह उतार दिए। सेकंड फ्लोर पर है मस्जिद, आ गई शायद। बहुत खूबसूरत मस्जिद, अंदर से भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। बाहर से भी बहुत खूबसूरत है, अंदर से भी। जमात खड़ी हो रही है, बस मैं भी यहाँ नमाज़ पढ़ूंगा फिर निकलेंगे यहाँ से। यार इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, जाने का मन ही नहीं हो रहा है यहाँ। बस यहाँ मैं तो यहाँ बैठा हुआ था फाउंटेन के पास, मस्जिद का व्यू एंजॉय कर रहा था। और पीछे बादल जो है ना, ये देखो काले बादल हैं, ऐसे मूव होते हुए फील हो रहे थे, तो बैठ के एंजॉय कर रहा था और बिल्डिंग्स वगैरह एंजॉय कर रहा था। बस अब यही है यार कि थोड़ा बहुत इधर उधर की निकलता हूँ, यहाँ टाइम भी हो ही रहा है, फिर कल को मौका मिलेगा नहीं घूमने का, तो निकलने की ट्रेन है हमारी। इधर उधर के आसपास की बिल्डिंग्स देख के थोड़ी बहुत और आपको दिखा दूँगा कि अगर कुछ अच्छा होता है तो फिर और फ्लैट निकलूँगा, खाना वाना बना के पैकिंग भी करनी है। हेयर आई एम नियर द मॉन्यूमेंट ऑफ कज़ाक अली। ये कज़ाक अली मतलब इस 92 मीटर टॉल ये मॉन्यूमेंट टाइप का है, और ये बनाया था क्योंकि इंडिपेंडेंस की, कजाकिस्तान की जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब की उसकी ही मतलब क्या कह सकते हैं, उसी का सिंबल के लिए बनाया था। पीछे है मेरे वही पिरामिड ऑफ पीस, वो तो वहाँ भी जाऊँगा, नहीं तो मैं यहीं घूम के वापस। पिरामिड ऑफ पीस है ये, इसकी ये स्टोरी है कि इसको कहा जाता है कि मतलब ये मैनी डिफरेंट रिलीजन्स जो है ना उसके बीच में पीस रखने के लिए बनाया गया है। बट मैनी देर आर मैनी यूट्यूब वीडियोस एज वेल एज गूगल स्कॉलर्स में भी बहुत सारे यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह हैं जो ये कहते हैं कि ये जो है ना एल्यूमिनाटी का नया स्पॉट है, वर्ल्ड में एल्यूमिनाटी का नया स्पॉट है, क्लेम करते हैं कि एल्यूमिनाटी यहीं रहते हैं और ये और वो। अब इसका सच्चाई तो कुछ नहीं पता, गूगल पे तो एल्यूमिनाटी का भी आता है इसके बारे में, अब इसका पता नहीं है कुछ। लेकिन खैर मेरा तो मन नहीं है अभी अंदर जाने का, उसमें वो टाइम भी लग जाएगा काफ़ी, शाम भी हो ही गई है, 8:30 होने वाला, उसके बाद भी देखो आप। आज तो सूरज दिखा ही नहीं सुबह से, मतलब बादल ही बादल है, बारिश का मौसम हो रहा है, उस साइड तो बारिश भी हुई थी। खैर बाहर से आपको दिखा दूंगा। हेलो गाइस, हाउ आर यू। लास्ट डे है अस्ताना में, शाम में 8 बजे वाली ट्रेन है, तो अभी बज रहा है 1 बज रहा है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जाके एक वो फेरिस जायंट व्हील घूमना बाकी था यार, वहाँ से पूरा अस्ताना टॉप से दिखता है, वहाँ जाने का मन था बहुत, तो वहाँ जा रहा हूँ बस। तो जल्दी से बस 1-2 घंटे में वहाँ से घूम के आके अब फ्लाइट पे आना, क्योंकि पैक करना है पूरा सामान, तो उसके बाद फिर खाना भी बनाना है ट्रेन के लिए, तो 2-3 काम है ज़रूरी है ना, इसलिए जल्दी से जा रहा हूँ, बस पकड़ रहा हूँ।
आ गया हूँ भाई यहाँ तो, ये पीछे किरवन सिटी है और ये है आप, ये देखो कितना ऊंचा है फेरिस व्हील। डर लग रहा है बहुत, देखो मूड है, आ तो गया हूँ लेकिन अब देख के डर लग रहा है कि इतना ऊंचा कौन बैठेगा, क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है यार बहुत। उसके बाद एरोप्लेन में ट्रैवल कितना करता हूँ। ये तो यार बहुत अच्छी चीज़ है यार, यहाँ पे गो कार्ट वगैरह है और बहुत सारे स्पोर्ट्स है। अल्लाह करके हिम्मत करके टिकट ले तो लिया, जा रहा हूँ बैठने उसमें, बहुत डर लग रहा है लेकिन। इतना टॉप पे आया हूँ अभी मैं और दिन मन कर रहा था जैसे एकदम घूम के 360 व्यू ऐसे दिखाते हैं ना वो, जैसे तो शॉर्ट मारते हैं पबजी में उस टाइप में दिखाऊं, लेकिन ये हिल रही है काफी यार, तो हिल रही है तो ज्यादा डर लग रहा है। अब मैं हूँ एकदम टॉप पे, देखो टॉप वाली उसमें हूँ इसके बाद वाले में, और बहुत प्यारा व्यू आ रहा है बाहर का, डर लग रहा है लेकिन बैंक का, हिल रही है ना यार ये, और ये आवाज देखो कैसी आ रही है, सुनाई ये इस टाइप की आवाज आ रही है, डर उसके वजह से थोड़ा लग रहा है। लास्ट चीज भी अस्थाना में घूम ली, अब कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि अस्थाना में ये चीज नहीं कर पाए, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली हैं। अंदर वो जो है ना वो आइलैंड करके जो दिख रहा है आपको, वो उधर वाटर पार्क वगैरह है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है और दूसरी बात है टाइम है नहीं अपने पास। तो बस अब निकल रहा हूँ वापस फ्लैट के लिए, थोड़ा शॉपिंग करना है ना, प्याज वगैरह लेनी है, चिकन बनाना था कल को खा लिया था, अब एक बार और बना के खाना है, प्याज वगैरह लेनी है और रोटी वगैरह लेनी है ट्रेन के लिए, मैं शॉपिंग करके निकलूंगा। तो चलिए खैर गाइस, अगर ये ट्रिप पूरा टूर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हम दोस्तों को भी दिखाइए, और जो भी अस्थाना अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आओ घूमो, अच्छी जगह है, दो तीन दिन में आपका हो जाएगा कंप्लीट काफ़ी हद तक। तेज़ तेज़ बाय।